नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा टाइम्स न्यूज। जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम सभा गैसापुर कटरा में अचानक किसानों के खेत में आग लग गई, जिसकी वजह से कई बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। लगभग 9 लोगों के खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। वहीं किसानों से पूछने पर भी आग लगने का कारण पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। गेहूं के खेत में अचानक लगी आग देखते ही देखते खेत के चारों तरफ फैल चुकी थी। यहाँ पर किसानों के गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। उन किसानों के गेहूं के खेत में लगी आग, उनके नाम रफीक पुत्र बकरीदी, राम कुमार पुत्र पूरन, विशेषर पुत्र पूरन, राम कुमार पुत्र पूरन, माया राम पुत्र पूरन, मैकू पुत्र पूरन, जमील पुत्र नवाब अली, सुलेमान पुत्र खली, विकास पुत्र ओम प्रकाश, मैसूर अली पुत्र अली हुसैन सहित अन्य लोगों के खेत में लगी फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई है। बाबा टाइम्स न्यूज के लिए रामपुर मथुरा से महेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ, सभी लोगों के खेत में आग लगी है तो किस तरह से आग लगी और कैसे आग लगी, कितना बीघा खेत जला, आप सब लोग बताइए, एक एक करके बताइए। बताइए आपका दूसरा हमारे सर तीन बीघा जला खेत, तीन बीघा खेत जला, वो हमारे खेत में है तो जो कुमारे नाम बता रहे हैं उनके भी खेत में आग लगी क्या? उनके खेत में पहले आग लगी शुरुआत में, उनका भी खेत जला, फिर उनका जला, उनके जब आग लगी वो घर भाग के ले गए। अच्छा, उनके खेत से शुरुआत हुई और सभी के खेत जल गए। जब अन्य लोगों से पता चला तब हम लोग आए, तब आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं वो यही सिस्टम है क्या, इसी तरह से आग लगी क्या? सही कह रहा हूँ, इसी तरह से आग लगी, मतलब उन्हीं के खेत से आग लगी। तो वो लोग हैं कहाँ पे? वो चले गए यहाँ से, वो सहायता नहीं की आग बुझाने में क्या? तो अभी आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, इसके मुआवजे के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? आग लगी है ना, तो इस पे तो प्रावधान होता है सरकार का, कुछ जो सहायता करती है।